राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय महाकाली। बहुत सारे जातक पूछ रहे कि सर कोड़ियों का उपयोग लक्ष्मी जी की पूजा में क्यों होता है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के अंतर्गत धन्वंतरी जी के साथ लक्ष्मी जी के साथ बहुत सारी कोड़ियां विस्फोट हुई थी। कोड़ियां उनके समुद्र मंथन से ही निकली थी। माना जाता है कि कोड़ियां महालक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। पीले कलर की कोड़ियां, काले कलर की देखो बहुत दुर्लभ होती है। ओरिजिनल कोड़ियां तो कहीं मार्केट पे नहीं मिलेगी आपको, मैं पहले से बता रहा हूं। 5-10 की कोड़ियां, कोई भी चीज होती है जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसकी प्राइस भी ज्यादा ही होती है, और सिद्ध करी हुई चीज होती है, आपको कुछ भी नहीं करना, सिद्ध करी हुई कोड़ियां मंगानी है। देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, पीले कलर की, येलो कलर की, या सिद्ध करी हुई कोड़ियां हैं। आपको एक बार दिखा देता हूं मैं आपको, आप तुरंत ऑर्डर करके 5 कोड़ियां तो आप मंगवाइए ही और लक्ष्मी जी के रखिए। आपको करना है क्या, धनतेरस के दिन लाल कपड़े के अंदर 5 कमलगट्टे और 5 कोड़ियां और एक चांदी का सिक्का, दोनों को लाल कपड़े में बांध कर लक्ष्मी जी को रात्रि में रख लीजिए। जैसे सूर्यास्त हो तुरंत ही उसके बाद रख लीजिए, पूरी रात लक्ष्मी जी के पास रहने दे। फिर उसके बाद दीपावली जब अमावस पूरी हो जाए एकम बैठ जाना है, जिसे नूतन वर्ष के नाम से हमारे हिंदू सनातन धर्म में जाना जाता है, तो उस नूतन वर्ष के प्रातः काल में लक्ष्मी जी के दर्शन कर उस कोड़ियों की जो थैली है या कपड़ा है उसे ले जाके तिजोरी में रख लीजिए। अपार धन संपत्ति बनेगी, गारंटी और टेस्टेड उपाय है। करके तो देखिए एक बार, अगले धनतेरस तक आपकी धन से जुड़ी समस्या, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड समस्या, आपके बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हो या विदेश जाने के योग, सभी संपन्न होगी। कोड़ियों को तुरंत ऑर्डर कीजिए, ओरिजिनल कोड़ियां ही मंगवाइए। नकली कोड़ियों से भी माता जी का प्रकोप या माता जी गुस्सा होती है। देखिए जल्दी से मंगाकर आप एक बार इस चमत्कार को अनुभव जरूर कीजिए। जय श्री महाकाल।